तो फिर एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ, और देखिए यहाँ पर एक बैलेंस है, यहाँ पे तराजू है स्प्रिंग वाला, और इसमें अभी देख सकते हैं कि अभी मेजरमेंट बता रहा है 380 के आसपास बता रहा है स्टूडेंट। प्रिंस जी पकड़िए, तो 380 अभी बता रहा है, 380 ग्राम। अब हम लोग इसको पानी में डालने वाले हैं और देखेंगे किसका वेट कितना हो जाता है, इसका द्रव्यमान कितना रहता है। तो ये पानी के अंदर जा रहा है, ऊपर से दिखाइए आयुष जी, ये पानी के अंदर घुसता हुआ। और ये देखिए जो बैलेंस है, जो स्प्रिंग का ये तराजू है, यहाँ देख सकते हैं कि रीडिंग जो है घट चुका है। जी हाँ, रीडिंग यहाँ पे घटता हुआ, यहाँ पे रीडिंग देखिए अभी 350 के ऊपर, लगभग मान सकते हैं कि 320 के आसपास आ गया है, 320। और पास से दिखा दीजिए, जूम कर दीजिए, ताकि स्टूडेंट समझ सके। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जी हाँ आर्किमिडीज का सिद्धांत चल रहा है यहाँ पे। तो ये 320 के आसपास का आंकड़ा यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए फिर पानी से बाहर आते ही ये 380, जी हाँ 380 के पास के आंकड़े के पास जा रहा है। आइए इसके पीछे के साइंस को समझते हैं और रीजन भी समझते हैं। तो जब ये बाहर था तो इसका द्रव्यमान था 380 ग्राम, लेकिन जब ये पानी में गया तो उस समय इसका द्रव्यमान आ रहा कितना, 320 ग्राम। यानी कि जैसे ही हमने वस्तु को पानी के अंदर डाला तो उसके भार में एक आभासी कमी आया, और ये कमी जो है हम सब जानते हैं कि यहाँ पे जो द्रव है, पानी जो था उस वस्तु को ऊपर की ओर धकेल रहा था, जिसको आप क्लास 9 में पढ़े हैं उत्प्लावन बल, तो उसी के कारण यहाँ पर उसके भार में कमी आ रहा था। जी हाँ, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत का ही यहाँ पर ये प्रयोग हो रहा है, जिसमें आप ये समझ रहे हैं कि किसी वस्तु को, कोई भी वस्तु हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग पानी में डुबाते हैं, वो आंशिक रूप से यानी हल्का डुबाएं या ज्यादा पूरी तरह से डुबा दें, तो उसके भार में एक आभासी कमी आती है, और ये कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है।